इस्लामी हुकूमत के चार उसूल हैं, याद रखो चार। फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। ऐ ईमान वालो, अगर आप चाहते हो कि आपको गलबा मिले, पुरअमन रहो, हुकूमत मजबूत हो, मुल्क मजबूत हो, रब आपसे राज़ी हो, दुनिया आखरत की कामयाबियाँ मिलें, तो फिर अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर्रसूल, रसूल की इताअत करो, कुरान और हदीस को सुप्रीम लॉ बना लो, सुप्रीम लॉ बना लो। नंबर तीन, व उलिल अम्र मिनकुम, अपने हाकम, अमीर और हाकम वक्त की इताअत करो, जो तुम्हारे ऊपर हाकम है उसकी इताअत करो, वह जैसा कैसा भी है उसकी इताअत लाजमी है, लेकिन खैर के कामों में, नेकी के कामों में, मासियत के कामों में नहीं, खैर के कामों में उसकी इताअत है। व उलिल अम्र मिनकुम, जिनके पास इख्तियार है, सुल्ता है, डंडा है, उनकी इताअत करो। और चौथा क्या है, फ़इन तनाज़ातुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहू इलल्लाहि व रसूल, अगर तुम्हारा हुक्मरानों से तनाज़ा हो गया, आपस में तनाज़ा हो गया, खींचातानी हो गई, इख्तलाफ़ हो गया, तो इस मामले को फिर अल्लाह और उसके रसूल की अदालत में पेश कर दो। ये चौथा उसूल है, अल्लाह की इताअत, रसूल की बात मानो, अपने हुक्मरानों की बातें मानो, और तीसरी चौथी बात कि अगर इख्तलाफ़ हो जाए तो ये मामला फिर अल्लाह और उसके रसूल यानी किताब व सुन्नत पर पेश करो, जो किताब व सुन्नत फ़ैसला करें वो तस्लीम कर लो। अच्छा, आगे चलकर फैसला ही कर दिया अल्लाह ने, फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमु फ़ीमा शजरा बैनहुम ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، دیکھو قسم رب نے محمد کے رب کی قسم کھائی، عظیم نبی کے عظیم رب نے اپنی قسم کھائی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، کسی مرد عورت، मशरक और मगरब, शमाल और जनूब में रहने वाले किसी मर्द औरत, जिन और इंस का ईमान काबिल कबूल ही नहीं है, ईमान काबिल कबूल ही नहीं है, हत्ता यू हक के मुँह का, यहाँ तक कि आपको अपना हाकिम और मुनसिफ मान लें, जज मान लें, सुमला ये जदूफियानफोसम हरज मिम्मा कदई था, फिर आप जो फैसला करें उस पर कोई हरज और तंगी महसूस ना करें, चैन में जबी ना हो, उनके माथे पर सलवट नहीं आना चाहिए, वो युसल्लिमु तस्लीमा, और उसको मिन व अन तस्लीम कर दें, गर्दन झुका दें, और अपने ख्वाहिश, अपनी चाहत, अपनी मर्जी, अपना मन, अपना अपना फिरका, अपना ग्रोह, अपनी पार्टी, अपने मफादात कुर्बान कर दें, कुर्बान कर दें, फिर वो युसल्लिमु तस्लीमा, तब जाकर वो ईमान वाले होंगे, वरना नहीं।